मसीह के बरकत और जलाल के नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। मैं अपना कलाम शुरू करने से पहले अपने तमाम टीचर से इजाजत चाहती हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है जेलसी गॉड। जो मुझे टॉपिक पे बोलने का मौका मिला वो है जेलसी गॉड, यानी कि गयूर खुदा। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस से देखेंगे खरूज की किताब उसका 34 बाब और 14। किसी दूसरे मामूल की परस्तिश करने नहीं होगी, इसीलिए कि खुदावन जिसका नाम गयूर है वो खुदा ही गयूर है भी। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाए हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। इस वर्ष में हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदावन का पाक कलाम हमें ये सीखने को सिखाता है कि हमें गैर मामूलों की परस्तिश नहीं करनी, हमें उन्हें सजदा नहीं करना, हमें उनके आगे झुकना नहीं है। जैसे आज हो रहा है बहुत से लोग हैं जो गैर बुतों की पूजा करते हैं, जो गैर बुतों को सजदा करते हैं, गैर मजहबों के पास जाते हैं, अपने मजहब को छोड़कर, अपने खुदा को छोड़कर, अपनी तालीम को छोड़कर, भूलकर, खुदावत से दूर होकर वो दूसरे गैर मुदों को सजदा करते हैं जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं। फिर भी उनका जीन उनका ईमान इतना मजबूत होता है, इतना उनका कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं जी हम अपने रास्ते को छोड़कर जो सफाई का है, जो पकीज की का है, उसे भूलकर हम खुदावन को छोड़कर हम गैर मजहबी तलवार रखें। और जब वहां से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता और जब वहां से इतना पैसा लगा लेते हैं, इतना कुछ वो गवा लेते हैं, फिर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, फिर क्या करते हैं? लो जी असी तो कुछ भी नहीं गवाया, असी तो कुछ भी नहीं किया। इससे बेहतर ये है कि हम अपने मजहब में रहकर अपने खुदावन को अव्वल दर्जा देकर उसके आगे घुटने टेकने चाहिए, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए कि ऐ खुदावंत मेरी ये परेशानी है, मेरा ये दुख है, मेरी ये तकलीफ है, तो तू मुझे इस तकलीफ से निकाल। तो क्या आपका ईमान है कि खुदावंत ऐसा कर सकता है? आपका ईमान है कि तेरा खुदावंत जिंदा जो आसमान पर तख्त नशी है वो ऐसा कर सकता है? तो आपको चाहिए कि उसके आगे घुटने टेके, क्योंकि ये सलाह इसमें लिखा है कि हमारा खुदा गयूर खुदा है। गयूर का मतलब यानी गैरत वाला, बड़ा, सबसे बड़ा, हम सबसे पूरी कायनात जो चलाता है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, पालन हारा है, जो खुदा के पास कलाम में लिखा है शेर का बच्चा तो भूखा रह जाएगा लेकिन मेरे तालिब हर किस भूखा नहीं रहेगा। आप सब क्या रात को खाना खाते सोते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आप भूखे सो गए हो? खुदावन आप सबको मुहैया करता है, तो क्या आपको नहीं चाहिए कि आप खुदावन के आगे सजदा करें? क्या आपको नहीं चाहिए कि आप खुदावन के आगे घुटने टेके? तो आज हमें चाहिए कि हम अपने खुदावन यीशु अल मसीह को जो मुबारक है, जो जिसने हमारे लिए जान दे दी, हमारे गुनाहों का कफारा अपने ऊपर ले लिया, हमें आज चाहिए कि हम उस खुदावन को अव्वल दर्जा दें, उसे सजदा करें, उसकी इबादत करें। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं इसी बात में खरूज 20 बात की 5 शायद में यूं मरकूम है, जहां पर 10 हकाम है, तो खुदावंद यूं फरमाता है, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा है। यानी कि हमें ये सीखने को 10 हकाम मूसा के हकाम है, जैसे हम मूसा के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, जैसे नबी इसराइली ने किया, बने इसराइली कौम ने क्या किया कि जब मूसा पहाड़ पर चला गया, जब खुदा से बातें करने के लिए मूसा को खुदा ने बुलाया तो वो चला गया, तो बने इसराइल ने अपने लिए एक बुत बना लिया, अपने लिए एक तराशी हुई मूरत बना ली ताकि हम उससे फरियाद करें, ताकि हम उसके आगे झुके कि हमें ये मुश्किल से निकाल, हमें ये परेशानी से निकाल। तो उन्होंने उसे बुत का बनाया, उसे अपने हाथों से तराश किया और उसकी इबादत करने लगे, उसके आगे झुकने लगे, उसके आगे सजदा करने लगे। लेकिन मेरे अजीजों आज हमें चाहिए कि हम खुदावन के हुजूर झुके और खुदावन के नाम का तरीफा तमजीद करें, क्योंकि हमें खुदावन का पाक कलाम यूं फरमाता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से मौजूद होंगे वहां मेरा दरमियान है, मौजूद हूं। आप अपने घर में घुटने टेक के दुआ कर सकते हैं, आप अपनी कोठरी को बंद करके दुआ कर
अच्छा आपको देख के ना, मुझे जब पहले मैं देखता था आपको क्लास में, तो अक्सर आपके साथ मुलाकात होती थी। पहले आपने कभी बीजी किया पहले कितनी बार? एक बार मुझे मौका मिला था बाहर किसी चर्च में प्रीच करने का। मुझे लग नहीं रहा था कि आप इतना बोल सकते हैं, मुझे लग नहीं रहा था पहले, क्योंकि आप हमारे पास पढ़ती हैं, तो आपका पहले इस तरह का अंदाज हमने देखा नहीं है, तो आप तो चुकी रुस्तम है। तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए जोरदार ताली। पहले का ये है कि आप अपने टॉपिक पर कायम हैं या नहीं, आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से खूब लेकर चले, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बेटा शाबाश, गॉड ब्लेस यू। मैं पास्टर साहब को बता रहा था कि ये अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सुनिएगा, मैंने शुरू में बताया था मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, तो एक ग्रुप के स्टूडेंट्स ने बड़ा जबरदस्त काम किया। एक्चुअली अभी उनको थोड़ा टाइम हुआ है, दो तीन साल हुए सीखने के लिए, सीखते हुए दो तीन साल हुए हैं एक ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं। और ये जो बी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, मैं भाई को बता रहा था कि ये तकरीबन 11-12 साल की मेहनत है, 11-12 साल की मेहनत है जो आज नजर आ रही है। और बेटा आपने बहुत अच्छे से प्रेज किया, और मैं एक खास बात बताना चाहूंगा, टाइम जो स्टॉप हुआ है वो मेरे पास अभी स्टॉप है, मैंने लिख लिया है, सिर्फ 6 सेकंड रह गए थे 7 मिनट होने पर, और मैं स्टॉप करता होता हूँ, रोकता होता हूँ 7 मिनट पूरे होने के बाद, ताकि ज़्यादा टाइम हो जाए, ताकि मैं मुझे नंबर काटने का मौका मिल जाए। लेकिन आपने बड़े सही टाइम पर रह कर प्रेज किया, और ना ज़्यादा कम, और बल्कि बड़ा रियल टाइम, बिल्कुल करीब था, पूरा टाइम आपने दिया, अच्छा बोले, और मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे ये तो नहीं थी, आपने तो बधान कर दिया, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पास्टर ने प्रीच कर रहा है। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत खूब आपने तैयारी की है, अच्छा बोली है, और आपको मैंने पहले भी सुना हुआ है, तो आप इस बात का जज्बा रखती है कि आप खुदा के कलाम को पेश करें, आप एक खादमा बने, तो खुदा आपको बरकत देगा और आप खादमा बनेंगे बड़ी जबरदस्त खुदा की, और खुदा आपके सेवा से काम करेंगे। सिस्टर निशा कैसी हैं आप? पढ़ी भी ना आपको? अच्छा पहले मुझे ये बताएं कितने जन बैठे हैं सामने? पांच है? पांच जज? कितने? छह जज। अच्छा इन छह जज में से आपका फेवरेट कौन सा? मैं, मेरा नाम लीला है, लीला मैं नंबर वन होते साहब। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, मैं अब तक की जितनों को सुन चुका हूँ, जितनों को मैंने जज किया है, आप उन सबसे बेहतर हैं। आपके लिए ये कहने को मैं मजबूर हूँ। सेकंड पोजीशन के लिए उपश्रा तानिया आपका सामने आ जाए, निशा कामरान, सिमरन जवेद जी, उपश्रा तानिया आपका, निशा कामरान और सिमरन जवेद, इन बेटियों के नंबर सेम है 33, नंबर सेम है तीनों के, और इनकी आई है सेकंड पोजीशन, जोरदार तालियां। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, सेकंड पोजीशन।